तो भाई अब बात करते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की। ये गाड़ी है, अरे एक नंबर की चली है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं दी इसने। और सारे में घुमाया ही, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। और CNG में चल गई है 220 किलोमीटर, वो भी विद AC। तो इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है, AC में 220 चल जाए बहुत बड़ी बात है। वही पहाड़ों पे नहीं, नॉर्मल में। पहाड़ों में तो खैर पेट्रोल ही पिया इसने सारा, और एक नंबर की चली है। बस एक ये लगी साइड में गेट पे, एक बाइक वाले ने मार दी थी गाड़ी। देखो सारे में स्क्रैच मार रखे हैं, ये पूरा गेट पिचका रखा है। अरे यो यहाँ भी मार दी, यहाँ सारे में घिसट लग चुकी है। गाड़ी एक नंबर की है। अब आपको दिखाते हैं हम कितने किलोमीटर घूम के आए हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी। अब ये गेट भी खुलता नहीं है, देखो इसको ऊपर करके खींचते हैं जब खुलता है गेट भी। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कितने किलोमीटर चली है हमारी गाड़ी। ये चली है, कहाँ गया, ये चली है 1440 किलोमीटर चली है ये पूरी। 1440 किलोमीटर पूरी ट्रिप होगी हमारी। अब आपको बताते हैं कि ट्रिप का खर्चा कितना आया गाड़ी गाड़ी का। तो हमारी गाड़ी का जो CNG का और पेट्रोल का खर्चा आया है वो मैं बताता हूँ। तो पेट्रोल का खर्चा आया 4,660 रुपये, और CNG का जो आई है, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने CNG गिरवाई है, वो है 2,770 रुपये की। तो CNG जहाँ पे भी हमें मिली थी, हमने वहीं पे गिरवा दी थी CNG जो भी आई है। तो टोटल मिला के पेट्रोल और CNG का खर्चा हमारी गाड़ी का आया 7,430। तो लगभग लगभग 7,500 रुपये तक खर्चा आया हमारी गाड़ी का। ये गाड़ी कल सुबह 5 बजे से चल रही है। हम बारालाचा पास पे भी गए थे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ध्रुविस को, तो हम इसीलिए मनाली में आ गए थे उल्टे, कि भाई और आगे जाएंगे तो कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाए। वैसे तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके गए थे, तो वो किसी काम नहीं होगा, बिल्कुल काम नहीं आया, 5 मिनट भी नहीं चलता वो ऑक्सीजन। तो इसलिए हम नीचे ही उल्टे मनाली में आ गए थे। और फिर हमने मनाली में रात को 7:30 बजे खाना खाया था मनाली में, और फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो हम आज सुबह 8 बजे दिल्ली में पहुँचे हैं। तो लगभग 24 घंटे गाड़ी चली हमारी, और कोई दिक्कत नहीं आई इसमें 24 घंटे चलने के बाद भी। तो गाड़ी बढ़िया है हमारी। देख लो भाई कितनी गाड़ी गंदी हो रही है, पूरी गंदी हो रही है गाड़ी। फोकस नहीं बन रहा, देखो जी सारे टायर वायर सब कुछ गंदा हो रहा है गाड़ी का पूरी। अब इसकी वॉशिंग करवाएंगे।